यशोमति मैया के नंदलाला। आज तुम्हारे छोटे भाई की जन्म नक्षत्र पूजा और उत्सव है, किंतु मुझे क्षमा करना पुत्र, चाहते हुए भी तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती। अरे यशोदा, तुम, अरे तुम्हें आने की क्या आवश्यकता थी? मैं आ ही रही थी ना। चलो, पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा है, चलो। कहाँ रह गई ये दोनों? तेरी मैया को क्या हो गया लल्ला? जाते समय तो इतनी उत्साहित थी और आते हुए मुंह इतना उतरा हुआ है जैसे किसी ने इसकी बछिया खोल दी। मैया बड़ी माँ के दुख से दुखी है बाबा। सब कुछ ठीक तो है? मन की इच्छा मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ बड़ी माँ। बस एक ही इच्छा है मन में कि मैं भी ये पूजा, ये उत्सव, ये सब कुछ अपने पुत्र के लिए कर पाती। आपका दुख मुझसे छुपाना है जीजी? मुझे लल्ला के सारे उत्सव मनाते देखकर आपको कैसा लग रहा होगा? मुझे आभास है। चिंतित ना हो मैया, आज का ये शुभ दिन बड़ी माँ की दुविधा का समाधान लेकर आएगा। पर उससे पहले इस अनचाहे अतिथि उत्कच को संभालने के लिए मुझे निद्रा देवी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। जाइए निद्रा देवी, यही समय है आपको दिए हुए वचन को पूरा करने का। अब तुझे नींद आ रही है? कल रात को कही थी ना, अच्छे से विश्राम कर लल्ला। अच्छे तो सोगा? ऐसे तो सुलाने में इतनी उठा पटक कराते है, अब देखो। नंदराज जी, रानी जी, पूजा की सारी तैयारियां हो गई, अब विधि आरंभ कीजिए। पंडित जी, लल्ला बहुत गहरी नींद में सोगा है। जे पूजा में लल्ला की आवश्यकता नहीं है, बस आप दोनों हैं तो पूजा हो जाएगी। यशोदा, तुम लल्ला को उचित स्थान पर सुला दो, व्यर्थ ही यहाँ इसकी नींद टूटेगी। चल लल्ला, आ जा। नाना इसे यहाँ ना सुला सकती, यहाँ तो जो अकेला पड़ जाएगा उस पर दृष्टि भी ना रख पाऊंगे। ये
यहाँ सुलाया तुझे सारी की सारी आके इसके साथ खेलने लगेंगी, शांति से सो भी ना पाए कुछ। लो यहाँ तुझे सब हल्ला मचा रहे हैं। ये है मेरा घोड़ा और ये है मेरी गाड़ी और ये बैठा है हिरण। हाँ, वहाँ छाँव में सो जाएगा और मेरा पूजा में बैठकर सीधी दृष्टि भी रख पाऊंगी इस पर। लगा था बहुत श्रम करना पड़ेगा इस बालक तक पहुंचने के लिए, किंतु ये तो हिरण का वो शावक निकला जो अपना वध करवाने के लिए स्वयं ही सिंह के मात तक पहुंच गया है। उज्जवल, लल्ला पे दृष्टि रखेगो? हाँ रखूंगा ना ताई जी। खेल खेल में भूल तो ना जाएगो? ठीक है। ठीक है मतलब भूल जाएगो? ना ना दृष्टि रखोगो। देखियो इसे कोई छेड़े ना, हाँ, और धूप लगे ना तो इधर उधर खसका के छाव में कर दियो, मेरा अच्छा बच्चा। और हाँ, खिसकाते समय ध्यान रखियो लल्ला मेरी दृष्टि के सामने रहे। आप चिंता मत ही करो ताई जी, बचपन से ही बच्चों को संभालना आ तो है मुझे। यशोदा शीघ्रता करो। शांति शांति। अब प्रथमे इस भगवान श्री गणेश की पूजा करेंगे। भगवान श्री गणेश को गंध, हल्दी और धूप चढ़ाइए। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्न करम शांतम पुष्टकाम। अब आप दोनों श्री हरि नारायण के ऊपर अक्षत की वर्षा कीजिए। लीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। यशोदा, क्षमा करेगा पंडित जी। षोडशोपचार विधि संपन्न हुई। अब आप दोनों आंखें बंद करके प्रेम पूर्वक इष्ट देवता से लल्ला के स्वास्थ्य, हित और दीर्घायु के लिए प्रार्थना कीजिए। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्न करम शांतम पुष्टकाम अनंतकम सुरासुरेन्द्र सिद्धेन्द्र स्तुतमस्तौमि परात्परम सुरपति दिनेशम जय गणेशम। अरे नीलमणि के ऊपर तो धूप आ गई।
बार बार आ रही है नीलमणि पर, किंतु ताई जी की बात भी माननी है, क्या करूं? उज्ज्वल भी ना एक कार्य ठीक से ना कर सकता, कहाँ है लल्ला? नारायणी नमोस्तुते। प्रार्थना संपन्न हुई। रानी जी, रानी जी कहाँ चली गई? वो रहो, उज्ज्वल तो पक्की छाव में करती हूँ, मैं व्यर्थी क्रोधित हो रही थी। यशोदा, पूजा का संकल्प लेने के पश्चात ऐसे ऐसे उठकर जानो ठीक ना है। यशोदा, स्मरण है ना जे जन नक्षत्र पूजा हम हमारे लल्ला के हित के लिए कर रहे हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्ये करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम भद्रं कर्णेभिः सूयामेव। अरे वाह, अब तो मेरा कार्य और भी आसान हो गया। इसी सकट के नीचे कुचल दूंगा इस दुष्ट शिशु को। महाराज कंस को उनके जीवन का सबसे शुभ समाचार दूंगा मैं। मेरी आशा है महाराज कि इस बार भी आपकी आशाओं पे कहीं हिमपात ना हो जाए। उत्कच, उत्कच अपना कार्य अवश्य करेगा अस्ति, बल्कि अब तक तो कर भी चुका होगा। बस आप कुछ ही क्षण में शुभ समा। लो, आ गया मेरा शुभ समाचार। शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे आप, पर आया कौन? अपशगुन। देवकी, वसुदेव, तुम दोनों यहां कैसे हैं? मथुरा नरेश, हम दोनों आपके पास एक विनती लेकर आए। जानते हो वसुदेव, मुझे आश्चर्य इस बात का नहीं कि तुम मेरे पास विनती लेकर आए हो। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी विनती यहां स्वीकार करी जाएगी। मैं जानती हूं आपके हृदय के किसी कोने में हमारे बचपन की स्मृतियां अभी भी जीवित है। स्मरण है मैं आपकी वही बहन हूं जिससे आप इतना प्रेम करते थे कि अपना सब कुछ। बस, सीधा सीधा बोल, क्या चाहिए तुझे? अधिक कुछ नहीं महाराज, हम दोनों
एक बार गर्ग ऋषि के दर्शन करना चाहते हैं। महल से बाहर जाना चाहते हैं ये महाराज, इन्हें इतनी छूट देने की आवश्यकता नहीं है। पर आपको ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा महाराज कि आपकी बहन और आपका बहनोई आपसे कुछ छुपा रहे हैं। मेरे दुखों का भार मेरे सहन शक्ति से अधिक हो गया था, इसलिए बहुत साहस बटोर कर आई हूं। अपनी छोटी बहन की इस छोटी सी विनती को अस्वीकार मत कीजिए भैया। कैसा भाई हूं मैं? मेरी बहन और मेरा बहनोई सामने खड़े हैं और मैं एक अभिमानी सम्राट की तरह इस सिंहासन पर बैठा हूं। जी नहीं, नहीं, ऐसे हाथ जोड़कर मुझे लज्जित ना करें। अरे हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए आप दोनों के सामने। ए देवकी, क्या तेरा भाई इतना निर्दयी है क्या? अरे तेरी एक छोटी सी इच्छा भी स्वीकार नहीं करूंगा क्या? क्या चाहती है? गर्ग ऋषि के आश्रम जाना है तो जा। कुंवर जी, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। कंस अपने परिवार की इच्छा पूरी नहीं करेगा तो किसकी करेगा? आप बस यात्रा की तैयारी कीजिए, आपकी यात्रा का प्रबंध शीघ्र ही हो जाएगा। धन्यवाद मथुरा नरेश। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठहरिए। अरे आप दोनों को अकेले कैसे जाने दूं? चिंता रहती है मुझे, दसों दिशाओं में शत्रु हैं मेरे, कहीं कुछ अनहोनी घटित हो गई तो। कुंवर जी, आप एक काम कीजिए, आप दुर्जन को साथ ले जाइए। जो आ गया महाराज। आपने इन्हें जाने की आज्ञा क्यों दी स्वामी? मेरा सुझाव क्यों नहीं माना आपने? हर समय तुम्हारा सुझाव मानना आवश्यक नहीं है प्रिय। जाल बिछा दिया है ये देखने के लिए कि ये दोनों मेरे विरुद्ध क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। उतना और सूक्ष्म बुद्धि की तरह मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगा विष्णु अवतार। उन्होंने तेरे सामने आने की भूल की थी, पर मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगा, अदृश्य रूप में ही तेरा वध करूंगा। तेरी मां तुझे साधारण से धूप से बचाना चाहती थी, क्या दशा होगी उसकी जब मैं तुझे सकट के नीचे कुचल दूंगा। जाने ये पूजा कब समाप्त होगी, कहीं उड़ तो ना गया होगा मेरा लल्ला। मुझे उसे देखना है, पर जो पंडित जी हैं कि अब देख कैसे इस शकट के भार के नीचे दब जाता है तेरा कोमल तन। यशोदा, पूजा समाप्त होने वाली, आरती को समय हो रहा है। लल्ला सुरक्षित है, चिंता ना करो। कितना नन्हा सा है तू, फिर भी तूने महाराज कंस की रातों की नींद सुख चैन सब छीन लिया। अब मैं तुझसे तेरे प्राण छीनूंगा, तैयार हो जा।
ये क्या हो रहा है? कब इसके तन से विदा ले लेंगे इसे पता ही नहीं चलेगा। ताईजी, यशोदा ताईजी। निद्रा देवी, समय हो गया है। यशोदा